ग्राम पंचायत भैंसाझाड़ के सरपंच और सचिव मिलकर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए का आहरण कर लिया। सरपंच सचिव मिलकर ग्राम पंचायत के कोटवार को हटाने के लिए झूठा आरोप लगाया जा रहा है। सरपंच श्रीमती अलका राज द्वारा राज ट्रेडर्स के नाम से फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए ग्राम वासियों का पैसा निकाल लिया गया है। भगीरथी मरकाम जो ग्राम पंचायत के पंच है, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन ग्राम पंचायत के सचिव केवल घुमाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि सरपंच एवं सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत के कोटवार राजेश कुमार गंधर्व के खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है। जातिगत भावना को बढ़ाने का भी सरपंच एवं सचिव काम कर रहे हैं। कोटवार का कहना है, मेरे द्वारा लिखित में जानकारी SDM को दिया गया है, जिसकी उचित जाँच कर मुझे न्याय दिलाए, नहीं तो मैं पूरा परिवार SDM कार्यालय के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ग्राम पंचायत भैंसाझाड़ के आश्रित ग्राम बछाली खुर्द का कोटवार हूँ। जातीयता भावना को लेकर सरपंच मेरे विरुद्ध में कई एक मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है और बार बार कभी SDM के पास, कभी कलेक्टर महोदय के पास, कभी तहसीलदार महोदय के पास, कभी मंत्री महोदय के पास शिकायत करते जा रहा है, जिससे मैं बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ यदि उचित कार्यवाही नहीं होगा। पूर्व में जांच भी हुई है, फिर जांच में क्या पाया गया? जांच पहले तो मेरे ऊपर इन लोग फांसी के प्रकरण में लगाए, उसमें सब जांच वांच हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें वो आत्महत्या ही बताया गया। और उसके बाद वो एक तालाब है गांव में, नया तालाब करके, उसमें मेरा कोटवारी सेवा भूमि लगभग 2 खसरे नंबर में 3 एकड़ 88 डिसमिल मिला था, उसमें 1.5 एकड़ में तालाब अर्जित है, जबकि मेरे को 1974-75 में वो ज़मीन मिला था। तालाब बाद में गांव वालों के द्वारा बनाया गया है और उसमें मेरे पिताजी को बुलाए थे कि यहाँ पर आप ज़मीन दे दो और इसमें केवल आपका नाम चलता रहेगा, अमृत सागर नाम करके। अब उस पॉइंट को आधार मान के सरपंच जो है जातिगत भावना को रखते हुए लोगों को पूरा भड़का रहा है कि कोटवार अपने पिताजी के नाम में तालाब को करवा लिया है, जिससे ग्रामवासी मेरे लिए पूरा खिलाफ हो गए हैं और बार बार मेरा शिकायत करते जा रहे हैं। उसके बाद कभी बोलते हैं पटवारी के साथ रहता है तो 18-19 सन की बात है, पट्टा बनवाने के लिए पैसा लिया, पर्ची बनवाने के लिए पैसा लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं 18-19 सन में मेरे को पैसा दिए, आज तक मेरे घर क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था। आज अल्टीमेटम दे रहे हो कि माननीय SDM साहब को, तो मेरे घर में जाकर भी मेरे कुछ कह सकते थे। मैं गांव का आदमी हूं कि तुमने पैसा लिया और हमारा काम कैसे नहीं करवा करके, लेकिन आज तक कोई ना तो पदस्थ पटवारी के पास गए पर्ची के नाम से, ना अभी जो वर्तमान में पटवारी है उसके पास गए। जांच नहीं होगी तो क्या कहें? यदि सही उचित कार्यवाही नहीं होगी तो मैं माननीय SDM साहब कार्यालय सामने आत्महत्या करने के लिए विवश हूँ। परिचय बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार गंधर्व है, मैं ग्राम कोटवार हूँ बछाली खुर्द का और वर्तमान में भी रतनपुर तहसील का कोटवार संघ का अध्यक्ष भी हूँ। बिलासपुर कोटा से रितेश गुप्ता, छत्तीसगढ़ विजन TV।